प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन का बात कार्यक्रम इंटरनेट यूजर की नकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण चर्चा में आ गया है। आकाशवाणी पर रविवार को प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम का दूरदर्शन के अलावा कई निजी चैनल भी सीधा प्रसारण करते हैं। इसके साथ ही पीआरबी, बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल पर भी देश के नाम पीएम मोदी के संबोधन को सुना जा सकता है। मगर इस रविवार के मन की बात को लेकर यूट्यूब चैनलों पर यूजर की प्रतिक्रिया सकारात्मक कम नकारात्मक ज्यादा रही। इन तीनों ही जगह मन की बात के वीडियो पर लाइक की तुलना में डिसलाइक बहुत ज्यादा है। खबर पढ़े जाने तक पीएम मोदी के ऑफिशियल चैनल मन की बात लाइव स्ट्रीमिंग के 5,72,000 व्यूवर्स हुए थे, उसमें से 22,000 लाइक और 47,000 डिसलाइक थे। तो वहीं सुबह बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर प्रधानमंत्री मोदी का जो लाइव वीडियो गया था उस पर 2,35,000 डिसलाइक और करीब 25,000 लाइक थे, यानी लाइक से करीब 9.5 गुना ज्यादा डिसलाइक। ऐसे में चर्चा हो रही है कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पर छात्रों की नाराजगी दिख रही है। जेईई नीट की तैयारी करने वाले ये छात्र 16 से 21 आयु वर्ग से आते हैं और ये सभी छात्र सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी बखूबी करते हैं। इन छात्रों ने कई दिनों से इन परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को अपना हथियार बनाया है और लगातार इससे जुड़े हैशटैग ट्रेंड करा रहे हैं। इन छात्रों को उम्मीद है कि पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में जेईई और नीट परीक्षाओं को लेकर इनकी जो चिंताएं हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बता दें 30 अगस्त को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। खिलौना इंडस्ट्री को बढ़ाने की वकालत, देसी नस्ल के कुत्ते पालने का आह्वान, गुमनाम शहीदों को याद करने की बात पीएम मोदी ने की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे भी देश दुनिया की खबर के लिए जुड़े रहें जेड न्यूज के साथ। धन्यवाद।